बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं अंजना सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। नजीबाबाद में भी समाजवादी पार्टी के किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन करने से रोकने के लिए विधायक हाजी तस्लीम के निवास स्थान पर पुलिस बल तैनात रहा। वहीं पूर्व चेयरमैन मोहम्मद मौजम खान व चेयरपर्सन साबिया निषाद के घर पर सुबह 8 बजे से भारी पुलिस बल तैनात है। उनको परिवार सहित हाउस अरेस्ट किया गया है। इसके बाद मोहम्मद मौजम खान ने साथियों सहित सड़क पर निकलकर प्रदर्शन करने का प्रयत्न किया तो पुलिस ने उनको आगे नहीं जाने दिया। मौजम खान व साथियों को रोके जाने के बाद अखिलेश यादव जिंदाबाद, आजम खान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए किसानों के आंदोलन को समर्थन देते हुए पार्टी के निर्देशानुसार तीनों किसान विरोधी फार्म बिल वापस लेने की मांग करते हुए घर के बाहर सड़क पर ही प्रदर्शन किया। नजीबाबाद से अल्ताफ रजा की रिपोर्ट। क्या प्रोग्राम था आज जनाब अली? प्रोग्राम ये था, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं हमारे श्री अखिलेश यादव, उनके निर्देश पे किसान यात्रा का प्रोग्राम था। किसान यात्रा इस तरीके से कि जिला मुख्यालय पे प्रोग्राम था, जो पार्टी के निर्देश थे वो तहसील स्तर पे करने के नहीं, जिला स्तर पे थे। हम आज सुबह तैयार हुए जाने के लिए, लेकिन यहाँ हमें पुलिस वालों ने नहीं जाने दिया। आप देख ही रहे हैं कि कितना पुलिस का जमावड़ा है घर के बाहर। ये सुबह 7:30 बजे से है और उधर घर के पीछे भी हमारे है, इधर भी है, तमाम कहीं से कोई निकलने का रास्ता है नहीं। बहरहाल तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हमारे पास यहाँ इकट्ठे हुए घर पे हमारे। हम सब लोगों ने एक रेजोल्यूशन ये पास किया कि जो किसानों का आंदोलन फार्म बिल हैं तीन, जो काले कानून हैं, और नंबर एक, नंबर दो ये कि जो मोहम्मद आजम खान साहब के खिलाफ झूठे मुकदमात दायर हैं, उन झूठे मुकदमात को तुरंत वापस लिया जाए, ये मांग हमने। हालांकि आज कोई ज्ञापन का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन फिर भी हमने एक माँ महीन राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा है, जिसके अंदर हमने यही मांग की है कि किसानों के आंदोलन के प्रति हमारा पूर्ण सहयोग है, पूर्ण समर्थन है, और ये आजम खान साहब को जो है इस बार रिहा किया जाए, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी उस आदमी ने कायम की है उसमें उससे हमारे उन लोगों के जज्बात शामिल हैं जिन लोगों के बच्चे ये चाहते हैं कि हम सस्ती तालीम हासिल करें और उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं वो वापस हों। हम यहाँ सड़कों पर निकलना चाहते थे, लेकिन हमें अंडर हाउस अरेस्ट यहाँ कर दिया गया है और शायद मुकदमे की तैयारी भी वहाँ हो रही है, ऐसी भी है। हम हर तरीके से तैयार हैं। एक मुकदमे के अगर 1000 मुकदमे होंगे जायज़ बात को अपनी कहने के लिए कि जो जुर्म है तो उस जुर्म की सज़ा हम भुगतने के लिए तैयार हैं।